टाइम इन एस्ट्रोनॉमी। टाइम इन एस्ट्रोनॉमी स्टार्ट करने से पहले हमें मालूम होना चाहिए कि टाइम क्या है। व्हाट इज टाइम? टाइम इज द इनडिफाइनाइट कंटिन्यूअस प्रोग्रेस ऑफ एग्जिस्टेंस एंड इवेंट दैट अकर इन अपीरेंटली इररिवर्सिबल सक्सेशन फ्रॉम द पास्ट थ्रू द प्रेजेंट टू द फ्यूचर। Time is a component quantity of various measurement used to sequence event, to compare the duration of event or the interval between them, and to quantity rates of change of quantity in material reality or in the conscious experience. Time is often referred to as the fourth dimension along with the three spatial dimensions. Agar hum Einstein ki nazariye se dekhe तो टाइम जो है वो फोर्थ डायमेंशन है। अगर हम एक्स वाई एंड जेड लेते हैं तो वो हमारे हुए थ्री स्पेशल डायमेंशंस। अगर हम फोर्थ डायमेंशन जानना चाहते हैं तो वो है टाइम, यानी कि जो टाइम है वो हमारा स्पेस टाइम जो है उसका फोर्थ डायमेंशन है। तो टाइम जो है वो एस्ट्रोनॉमी के अंदर हम किस लिए यूज़ करते हैं? ताकि जो हम कोई भी रीडिंग ले रहे हैं उसका रेफरेंस ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल सोलर टाइम है, साइडरियल टाइम है, मीन सोलर टाइम है, या फिर एटोनॉमिक टाइम है। तो वो हम क्या किस लिए टाइम को यूज़ करते हैं कि कोई भी जो है वो ड्यूरेशन मेज़र करने के लिए, या तो फिर कोई इवेंट है उसका जो है वो हम ड्यूरेशन मेज़र कर सकते हैं, या तो फिर उसका जो टाइमलाइन है तो उसको हम टाइम की मदद से मेज़र कर सकते हैं। तो फील्ड एस्ट्रोनॉमी के अंदर जो टाइम इन एस्ट्रोनॉमी है तो उसका मेन यूज़ है कि जो टाइम इंटरवल है वो हम मेज़र कर सकें। तो उसके लिए अलग अलग टाइप ऑफ द यूनिट टाइम, यूनिट ऑफ द टाइम है, तो वो हम अब देखते हैं। यूनिट्स ऑफ टाइम। यूनिट्स ऑफ टाइम के अंदर मेन सेवन टाइम सिस्टम है जो हम यूज़ करते हैं। साइडरियल टाइम, सोलर अपीयरेंस टाइम, मीन सोलर टाइम, स्टैंडर्ड टाइम, यूनिवर्सल टाइम, एटॉमिक टाइम एंड एस्ट्रोनॉमिकल टाइम। और भी सब कैटेगरीज है जो यहाँ पर विकिपीडिया के पेज के ऊपर दिखाई गई है टाइम इन एस्ट्रोनॉमी के अंदर, जो अलग अलग हम टाइम मेजर करने के लिए जो अलग अलग सिस्टम यूज़ करते हैं। तो अभी जो है वो हम सेवन मेन टाइप देखेंगे। फर्स्ट वन है सिडरियल टाइम। सिडरियल टाइम इज अ टाइम स्केल दैट इज बेस्ड ऑन अर्थ रेट ऑफ रोटेशन मेजर्ड रिलेटिव टू द फिक्स स्टार रादर देन द सन। ओके, तो अगर हम सिडरियल टाइम मेजर करते हैं तो उसको हम रेफरेंस के लिए हम जो है वो स्टार को यूज़ करते हैं, ना कि सन को। तो अगर हमारी अर्थ है वो एक रोटेशन लेती है, यानी 360 डिग्री वाला रोटेशन लेती है, तो उसका हो जाएगा वन डे। तो हम अगर सन के रेफरेंस में वो डे मेजर करते हैं तो इतना सा गैप आएगा, वो ऑलमोस्ट 4 मिनट जितना होता है। अगली डेफिनेशन जो है वो सोलर अपीयरेंस टाइम है, उसके अंदर हम देखेंगे तो हमें डिफरेंस मेन मालूम पड़ेगा कि सिडरियल टाइम क्या है और सोलर अपीयरेंस टाइम क्या है। तो सबसे पहले जो है वो हम सेकेंड डेफिनेशन देखते हैं। सोलर अपीयरेंस टाइम। सोलर अपीयरेंस टाइम इज अ कैलकुलेशन ऑफ द पैसेज ऑफ टाइम बेस्ड ऑन सन्स पोजिशन इन द स्काई। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ सोलर टाइम इज द डे। ओके, तो सन को रेफरेंस में लेके अगर हम कोई भी टाइम मेजर करते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? सोलर अपीयरेंस टाइम। तो अब सोलर अपीयरेंस टाइम जो हमने देखा और फर्स्ट वन जो देखा सिडरियल टाइम, उसके बीच का डिफरेंस क्या है वो अब हम देखते हैं, ताकि हमें पता चले कि दोनों कैटेगरी के बीच में मेन डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे गूगल के अंदर एक इमेज दी गई है, आप देख सकते हैं। अगर हमारी जो अर्थ है, तो अगर हमारी जो अर्थ है वो एक रोटेशन लेती है, यानी 360 डिग्री वाला रोटेशन लेती है किसी भी स्टार को रेफरेंस में लेके, तो वो हमारा क्या होगा? सिडरियल डे। ओके, और अगर जो रोटेशन है वो रेफरेंस में, अगर हम सन के रेफरेंस में लेते हैं, यानी कि 360 डिग्री तो रोटेशन हो ही गया है, और भी हम रोटेशन थोड़ा सा अर्थ को रोटेट करते हैं ताकि जो है वो अर्थ की डायरेक्शन में हम अपना जो अर्थ का जो पॉइंट है वो रख सके, तो वो जो डे है वो कहलाएगा सोलर डे। तो दोनों सिडरियल डे एंड सोलर डे के बीच में डिफरेंस कितना होगा? 4 मिनट जितना। ओके, तो वो जो डिफरेंस है, तो सिडरियल डे जो है उसका ड्यूरेशन क्या होगा? 23 hours and 56 minutes। और अगर हम सोलर डे लेते हैं तो उसका जो टाइम है, यानी कि सोलर डे का ड्यूरेशन है, वो है 24 hours। तो सिडरियल डे एंड सोलर डे के बीच में मेन डिफरेंस यही है 4 मिनट का। तो सिडरियल डे जो होता है वो रेफरेंस के तौर पर कोई एक कॉन्स्टेंट स्टार लेता है, और जो सोलर डे है वो रेफरेंस के तौर पर जो हमारा सन है उसको यूज़ करता है। तो यहाँ पर सिडरियल टाइम एंड जो सोलर टाइम है उसका एक छोटा सा एनिमेशन है, वो अब हम देखते हैं। अर्थ जो हमारी है वो एक रोटेशन लेती है, यानी 360 डिग्री का रोटेशन लेती है, तो वो हमारा क्या हो गया? सिडरियल टाइम। अगर वही रोटेशन है
वो हम सन के रेफरेंस में थोड़ा सा ज़्यादा रोटेट करते हैं, तो वो जो हमारा हो गया वो है हमारा सोलर डे। ओके, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो जो हमारा साइडरियल डे था और सोलर डे है उसके बीच का जो डिफरेंस है वो है 4 मिनट्स। नेक्स्ट थर्ड डेफिनेशन है मीन सोलर टाइम। मीन सोलर टाइम इज द आवर एंगल ऑफ द मीन सन प्लस 12 आवर्स। द ड्यूरेशन ऑफ डे लाइट वेरियस ड्यूरिंग द ईयर बट द लेंथ ऑफ द मीन सोलर डे इज नियरली कॉन्स्टेंट। ओके, तो अब हमने देखा होगा कि विंटर के अंदर जो डे टाइम में सन होता है वो थोड़ा सा ड्यूरेशन है शॉर्ट होती है, समर के अंदर जो ड्यूरेशन है वो थोड़ी सी लॉन्ग होती है। तो मीन सोलर टाइम के अंदर हम क्या करते हैं कि जो एवरेज है लाइट ऑफ द सन, डे लाइट जो होती है दिन के दौरान, तो उसका हम एवरेज ले लेते हैं। तो अगर हम नॉर्मल जो सेकंड डेफिनेशन हमने देखी सोलर अपीयरेंस टाइम के अंदर, तो उसके अंदर जो है डे लेंथ शॉर्ट या लॉन्ग होती है, तो मीन सोलर टाइम के अंदर जो डे लाइट है उसकी जो ड्यूरेशन है वो हमने कांस्टेंट ले ली है, यानी कि 12 आवर ले ली है। तो जो ड्यूरेशन है वो वेरीस नहीं होती है, मीन सोलर टाइम के अंदर कांस्टेंट रहती है। नंबर 4, स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम इज द सिंक्रोनाइजेशन ऑफ क्लॉक विदिन अ जियोग्राफिकल एरिया और रीजन टू अ सिंगल टाइम स्टैंडर्ड rather than using solar time or a locally chosen meridian that is longitude to establish a local mean time standard। यानी कि जो हमारा फॉर एग्जाम्पल हम एक रीजन ध्यान में लेते हैं कि इंडिया नाम का कंट्री है, तो उसके अंदर जो है ईस्टर्न साइड और वेस्टर्न साइड के अंदर जो डिफरेंस है टाइम इंटरवल का, तो वो है मिनिमम 2 आवर्स जितना है। तो वो जो डिफरेंस है टाइम का उसको निग्लेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि कोई एक रीजन है उसके अंदर हम एक स्टैंडर्ड टाइम ले लेते हैं। तो इंडिया के अंदर जो हमने स्टैंडर्ड टाइम लिया है उसका जो लोकेशन है वो यहाँ पे लिखा है मिर्ज़ापुर के अंदर, जो यूपी उत्तर प्रदेश नाम का स्टेट है उसके अंदर मिर्ज़ापुर के अंदर शंकर ग्रह नाम का जो फोर्ट है उसका हमने स्टैंडर्ड टाइम लिया है। तो उसका लोकेशन है 25.15 डिग्री नॉर्थ एंड 82.58 डिग्री ईस्ट। तो उस लोकेशन का जो टाइम है उसको हमने पूरे रीजन के लिए एज अ स्टैंडर्ड टाइम लिया है, यानी कि जो हमारा पूरा का पूरा कंट्री का जो टाइम है उसके रेफरेंस में हम मेजर करते हैं। नेक्स्ट है यूनिवर्सल टाइम। यूनिवर्सल टाइम इज अ टाइम स्टैंडर्ड बेस्ड ऑन अर्थ रोटेशन। इट इज अ मॉडर्न कंटिन्यूएशन ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम, यानी कि GMT। सो जो ग्रीनविच मीन टाइम है तो उसको हम यूनिवर्सल टाइम, यानी कि जो पूरा वर्ल्ड है उसके रेफरेंस में हमें कोई टाइम मेजर करना है, तो उसके लिए हमें पूरे वर्ल्ड के लिए कोई एक कॉमन टाइम सिस्टम चाहिए। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, यूनिवर्सल टाइम। तो यूनिवर्सल टाइम जो है उसके लिए हमने बेस कौन सा लिया है, तो ग्रीनविच, यानी कि जो लंदन है उसके अंदर ग्रीनविच यूके के अंदर जो है उसको हमने ऐसे रेफरेंस लिया है, यानी कि 00 लिया है। इंडिया जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 आवर एंड 30 मिनट्स के ऊपर है। तो अगर यहाँ पे रात के 12 बजे है तो इंडिया के अंदर सवेरे के कितने बजे हो गए, 0 है यहाँ पे, तो उसके अंदर हमें प्लस करना है 5 आवर एंड 30 मिनट्स। तो यहाँ पे अगर रात के 12 बजे है तो यहाँ पे सुबह के 5:30 बजे हो गए। तो इसी तरीके से जो है वो हम पूरे के पूरा वर्ल्ड का जो रेफरेंस टाइम है प्लस या माइनस करके जो है मेजर कर सकते हैं। तो इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है, यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम का जो स्टैंडर्ड है वो है 5 आवर एंड 30 मिनट्स। नेक्स्ट है एटॉमिक टाइम। एटॉमिक टाइम इज अ हाई प्रेसिजन एटॉमिक कोऑर्डिनेट टाइम स्टैंडर्ड बेस्ड ऑन द नॉशनल पैसेज ऑफ प्रॉपर टाइम ऑन अर्थ शेप। इट इज द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम UTC, विच इज यूज फॉर सिविल टाइम कीपिंग ऑल ओवर द अर्थ सर्फेस एंड फॉर द टेरेस्ट्रियल टाइम विच इज यूज फॉर एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन। यानी कि जो एटॉमिक टाइम है वो बहुत ही एक्यूरेट, यानी कि हाई प्रेसिजन वॉच होती है, तो उसका यूज़ जो है वो हम सैटेलाइट सिस्टम के अंदर यूज़ कर सकते हैं, या फिर GPS सिस्टम है उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई भी हाई प्रेसिजन वाली जो हमें सिस्टम बनानी है तो उसके अंदर जो है वो हम एटॉमिक टाइम यूज़ कर सकते हैं। तो एटॉमिक टाइम का मेन यूज़ ही है, अगर आपके आपका जो सिस्टम है उसके अंदर आपको हाई प्रेसिजन चाहिए टाइम का, तो आप जो है वो एटॉमिक टाइम यूज़ कर सकते हैं। तो वर्ल्ड के अंदर जो है वो बहुत सारी एटॉमिक टाइम जो है वो लाइट के यूज़ से या फिर क्वार्ट्ज के यूज़ से टाइम सिस्टम जो है वो एक्यूरेट टाइम सिस्टम अवेलेबल है क्लॉक उसके लिए। तो उसके क्लॉक का यूज़ करके आप सैटेलाइट के अंदर जो टाइम कीपिंग है उसकी जो एक्यूरेसी है वो आप बढ़ा सकते हैं एटॉमिक टाइम का यूज़ करके।
ताकि आप जो है वो टाइम के अंदर कोई फॉर एग्जांपल मिस्टेक आता है, यानी कि जीपीएस का कोई सैटेलाइट है फॉर एग्जांपल, उसके अंदर माइक्रोसेकंड का मिस्टेक आता है तो जीपीएस के अंदर उसकी जो एरर है वो बढ़ के फॉर एग्जांपल 10 मीटर की नॉर्मल एरर आती है तो वो बढ़ के किलोमीटर या फिर 10 किलोमीटर जितनी हो सकती है। तो उसके लिए जो है टाइम कीपिंग हमें जो है वो एक्यूरेसी उसके अंदर ज़्यादा चाहिए, तो उसके लिए हम एटोमिक टाइम सिस्टम यूज़ करते हैं। लास्ट वन है 7th, एस्ट्रोनॉमिकल टाइम। एस्ट्रोनॉमिकल टाइम इज बेस्ड ऑन द रिपीटेशन ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स फॉर सेटिंग फ्रीक्वेंसी स्टैंडर्ड। फॉर एग्जाम्पल, द अकरेंस ऑफ अ डे एंड नाइट इज कॉज बाई द रोटेशन ऑफ द अर्थ एंड सीजन बाई द अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन। सो एस्ट्रोनॉमिकल टाइम के अंदर इन शॉर्ट हम क्या लेते हैं रेफरेंस के तौर पे हम या डे या नाइट लेते हैं, या फिर मून को एज अ स्टैंडर्ड लेते हैं, या फिर सन को स्टैंडर्ड लेते हैं, या फिर सीजन्स को टाइम ले स्टैंडर्ड के तौर पे लेते हैं। यानी कि जो एस्ट्रोनॉमिकल सिचुएशंस है उसको हम रेफरेंस के तौर पे यूज़ करते हैं टाइम कीपिंग के लिए। तो ओल्ड टाइम में जब वॉचेस या फिर मशीनरी इतनी डेवलप नहीं हुई थी तो उस टाइम में जो टाइम सिस्टम यूज़ करते हैं तो उसको हम एस्ट्रोनॉमिकल टाइम सिस्टम बोल सकते हैं। कन्वर्जन के जो एग्जांपल है उसको स्टार्ट करने से पहले कन्वर्जन का जो मेन यूनिट है वो हम देख लेते हैं ताकि हमें पता चले कि कन्वर्जन कैसे करना है। तो अगर 36 डिग्री है तो उसका कन्वर्जन होगा 24 आवर्स, यानी कोई एक रोटेशन होता है 36 डिग्री का तो उसका टाइम है वो होगा 24 आवर्स। तो 50 डिग्री है तो उसका जो है इसके डिवाइड बाई 24 करते हैं तो उसका जो हो जाएगा 1 आवर, और अगर 1 डिग्री लेते हैं तो उसका हो जाएगा 4 मिनट्स। अगर हम 15 मिनट्स लेते हैं तो उसका टाइम के अंदर हो जाएगा 1 मिनट। अगर हम 1 मिनट लेते हैं तो उसका टाइम में कन्वर्जन हो जाएगा 4 सेकंड्स। अगर हम 15 सेकंड्स लेते हैं डिग्री के अंदर तो हमें जो है टाइम के अंदर मिलेगा 1 सेकंड। तो इस जो यूनिट सिस्टम है इसका हम यूज़ करके जो है वो एग्जांपल कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल है, कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स इन द आवर्स मिनट्स एंड सेकेंड्स। ओके, तो फर्स्ट एग्जाम्पल के अंदर जो हमें फर्स्ट कंडीशन दी गई उसका एंगल है 42 डिग्री 22 मिनट्स एंड 32 सेकेंड्स। सेकेंड वन है 8 डिग्री 18 मिनट एंड 16 सेकेंड्स। थर्ड वन है 258 डिग्री 36 मिनट एंड 30 सेकेंड्स। तो फर्स्ट है उसका हम कन्वर्जन करते हैं तो यहाँ पर हमें एंगल दिया गया है 42 डिग्री 22 मिनट्स एंड 32 सेकेंड्स। तो अलग अलग भी हम कर सकते हैं, एक साथ भी डिवाइड कर सकते हैं। तो 42 डिग्री है तो उसको हम डिवाइड बाय 15 करेंगे तो जो वो है हमें जो यूनिट है यहाँ पे जैसे लिखा है तो आवर के अंदर हमें आंसर मिलेगा। तो 42 डिवाइड बाय 15 हम करते हैं
Example number 2. The standard meridian for India is 82 degrees and 30 minutes east. Find the local mean time for the following places corresponding to standard time of 18 hour 35 minute and 10 second. Okay, तो यहाँ पर हमें तीन जो है वो angles दिए गए हैं, 30 degree east, 30 degree west and 120 degree east. तो सबसे पहले हम first वाली condition लेते हैं, 30 degree east. तो सबसे पहले जो है हमें longitude का difference find करना है. तो longitude हमें जो है India का दिया गया है 82 degree and 30 minutes. तो उसके minus जो है हमें जो place का दिया गया है उसका हम यहाँ पे deduct करते हैं. तो हमें मालूम पड़ेगा कि जो longitude का difference है वो कितना है. तो 82 degree 30 minute minus 30 degree तो हमें मिलेगा 52 degree and 30 minutes. ओके, तो ये जो है हमारा difference है longitude के बीच का. तो अब हम इसको जो है वो hour के अंदर calculate करेंगे. तो हमने जो last example के अंदर देखा था directly भी हम कर सकते हैं, 50 degree and 30 minute divide by 15 करना है हमें. डायरेक्टली हमें आंसर मिलेगा 3 hour and 30 minutes. तो 3 hour and 30 minutes जो है वो हमारा आंसर है. सो एज द प्लेस इज वेस्ट ऑफ द स्टैंडर्ड मेरिडियन, सो 30 डिग्री ईस्ट इज लेस देन 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट. यूज माइनस साइन इन द इक्वेशन, यानी कि जो इक्वेशन है उसके अंदर हमें माइनस साइन यूज़ करनी है. सो हमारा जो टाइम हमें दिया गया है 18 आवर 35 मिनट एंड 10 सेकंड, उसमें से हमें जो है ये वाला आवर टाइम है वो हमें माइनस करना है. तो हम करते हैं 18 आवर 35 मिनट्स एंड 10 सेकंड्स माइनस अभी जो हमें मिला है 3 आवर एंड 30 मिनट्स एंड 0 सेकंड्स. तो हमें आंसर मिलेगा 15 आवर 5 मिनट एंड 10 सेकंड, यानी कि जो है वो लोकल जो मीन टाइम है वो हमें मिला है 15 आवर 5 मिनट एंड 10 सेकंड. सेम अब सेकंड एग्जांपल के लिए हम करते हैं. तो हमें यहाँ पे सबसे पहले लॉन्जिट्यूड डिफरेंस फाइंड करना है. तो ये वाला जो है वेस्ट की ओर है तो इसको हमें पॉजिटिव करना पड़ेगा. ओके, तो ये जो एंगल है वो माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. ओके, तो 82 डिग्री प्लस 30 डिग्री आप करते हैं तो 112 डिग्री एंड 30 मिनट्स आएगा आपका आंसर जो है वो. फिर आपको अगर इसको आवर एंड सेकंड के अंदर कन्वर्ट करना है तो आप डायरेक्टली कैलकुलेटर के अंदर से कर सकते हैं, डिवाइड बाय 15. तो हमें मिलेगा 7 एंड आवर एंड 30 मिनट्स. ओके, तो 7 आवर एंड 30 मिनट्स. तो अब जो हमारा एंगल है उसके अंदर से हमें ये वाला जो वैल्यू है डिडक्ट करनी है. तो मैंने छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू डिडक्ट कर रहा हूँ तो मेरा आंसर माइनस में आएगा. तो मैं उसको प्लस में ले लूँगा. ओके, 18 आवर्स 35 मिनट्स एंड 10 सेकेंड्स. तो मेरा आंसर है 11 आवर 5 मिनट्स एंड 10 सेकंड्स. तो आंसर मैच हो गया है. सो इसी तरीके से हम थर्ड एग्जांपल है वो भी कैलकुलेट करते हैं. तो 120 डिग्री ईस्ट की ओर है. ओके, तो यहाँ पे माइनस करने की ज़रूरत नहीं. तो 120 डिग्री माइनस जो इंडिया का जो मेरिडियन है उसको हम माइनस करेंगे तो 37 डिग्री एंड 30 मिनट्स आएगा. अब जो है ये वाला एंगल बड़ा है तो इसलिए हमें इंडिया का मेरिडियन इसमें से डिडक्ट करना पड़ेगा. तो लास्ट में जो टाइम आएगा उसको हमें एडिशन में लेना पड़ेगा, लोकल मीन टाइम अगर हमें फाइंड करना है. तो 37 डिग्री 30 मिनट्स डिवाइड बाय 15 इज इक्वल टू 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स. ओके, प्लस जो है हमारा 18 आवर 35 मिनट्स एंड 10 सेकंड्स उसमें ऐड करना है. तो हमें क्या मिलेगा, 21 आवर 5 मिनट्स एंड 10 सेकंड्स. इसी तरीके से आप जो है किसी भी प्लेस का लोकल मीन टाइम है वो फाइंड कर सकते हैं. एग्जांपल नंबर 3, कन्वर्ट द 6 आवर 40 मिनट 30 सेकंड्स मीन सोलर टाइम इंटरवल टू सिडरियल टाइम इंटरवल. ओके, तो अब जो हमारा आवर 6 आवर 40 मिनट एंड 30 सेकंड्स दिया गया है उसको हमें जो है वो सिडरियल टाइम इंटरवल के अंदर कन्वर्ट करना है. तो हमें जो यहाँ पर आवर मिनट एंड सेकंड के अंदर वैल्यू दी गई है उसको हम आवर के अंदर डायरेक्टली लिखते हैं. तो कैलकुलेटर के अंदर 6 आवर 40 मिनट्स एंड 30 सेकंड्स डालें. ओके, फिर उसको यहाँ पे इंजीनियरिंग प्लेस करें तो वो डेसिमल पॉइंट के अंदर आ जाएगा. तो 6.675000 आवर्स हो जाएगा कन्वर्जन. अब अगर हमें सिडरियल टाइम के अंदर कन्वर्जन करना है तो जो एक्सेलरेशन है वो हमें रेट है उसको हमें कैलकुलेटर
कैलकुलेशन में ध्यान में लेना पड़ेगा सेकंड के अंदर। तो जो एक्सेलरेशन रेट है वो हमें मालूम होनी चाहिए 9.8296 सेकंड पर आवर जो है। ओके, तो हमें आवर मिल गया है, तो पर आवर की जो हमें एक्सेलरेशन रेट है वो हमारे पास है, तो उसको और इसको हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक्सेलरेशन मिलेगा। तो इसका अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें आंसर मिलता है 65.610 सेकेंड्स। ओके, तो अगर हमें अब साइड रियल टाइम चाहिए तो इस टाइम के अंदर जो है एक्सेलरेशन जो है वो ऐड करना पड़ेगा। तो साइड रियल टाइम इज इक्वल टू 6 hours 40 minutes and 30 seconds प्लस 65.610 सेकेंड्स। तो अब जो हमें आंसर मिलेगा वो हमारा हो जाएगा साइड रियल टाइम इंटरवल 6 hours 41 minutes 35.81 seconds। एग्जाम्पल नंबर 4, कन्वर्ट 8 hours 40 minutes 50 seconds साइड रियल टाइम इंटरवल इंटू करस्पॉन्डिंग मीन सोलर टाइम इंटरवल। तो लास्ट जो एग्जांपल किया था उससे यहाँ पर हमें इन्वर्स करना है, यानी कि उल्टा करना है। तो सबसे पहले जो हमें 8 hours 40 minutes and 50 seconds दिए गए हैं वो हम कैलकुलेटर के अंदर लिखेंगे और फिर इंजीनियरिंग बटन दिखाएंगे लिखेंगे तो हमें डायरेक्ट जो है वो आवर के अंदर आंसर मिलेगा। तो वो हमारा आंसर हो गया 8.68055 hours। ओके, 5 digit तक ही यहाँ पे लिखा है। अब वहाँ पे हमने जो है वो एक्सेलरेशन ऐड किया था, तो यहाँ पे हमें जो है वो डिडक्ट करना है, तो उसे हम बोलते हैं रिटार्डेशन। तो उसका जो रिटार्डेशन का रेट है वो भी सेम होगा 9.8296 मल्टीप्लिकेशन ऑफ जो पर आवर रेट है, उसके लिए यहाँ पर आवर कितने हैं 8.68055 उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा रिटार्डेशन का कि 85.32 seconds। तो मीन सोलर टाइम इंटरवल है तो साइड रियल टाइम प्लस रिटार्डेशन करना है, तो रिटार्डेशन है ऑलवेज माइनस होता है, यानी कि एक्सेलरेशन का इन्वर्स है। इसलिए तो 8 hours 40 minutes 50 seconds प्लस इन ब्रैकेट माइनस 85.32 seconds, तो हमें आंसर मिलेगा मीन सोलर टाइम इंटरवल का 8 hours 39 minutes 24.68 seconds। एक्स्ट्रा के अंदर हम सबसे पहले तो एस्ट्रोनॉमिकल सिमुलेशन के अंदर अभी जो हमने चैप्टर के अंदर देखा था साइड रियल एंड सोलर टाइम था, तो उसका जो है यहाँ पर एक सिमुलेटर है, आप इस लिंक के ऊपर जाके ये सिमुलेटर यूज़ कर सकते हैं astronomy.beamappszone.com। ओके, तो यहाँ पे दो टाइमर दिए गए, सोलर टाइम एंड साइड रियल टाइम। तो अभी जो है मैंने सनराइज़ का जो टाइम है वो सेट किया है, तो सनराइज़ फॉर एग्जांपल 6 AM को होता है, तो यहाँ पे 6 AM का टाइम है। ओके, और साइड रियल टाइम है तो वो सन बेज है, यानी कि कितना रोटेशन है उसके बेज में है, तो साइड रियल टाइम है वो अभी 00 होगा और उसके अंदर 4 मिनट कम है, क्योंकि जो साइड रियल एंड सोलर टाइम है उसके बीच का जो डिफरेंस है वो 4 मिनट है। ओके, तो आप यहाँ पे जो है रोटेशन करके आप यहाँ पे जो टाइम है वो देख सकते हैं कि कितना चेंजेस आता है साइड रियल टाइम और सोलर टाइम के अंदर। ओके, आप यहाँ से डायरेक्टली क्लिक करके भी चेंजेस देख सकते हैं कि कितना टाइम वेरिएंस है। यहाँ पे आप मंथ भी चेंज कर सकते हैं। देख सकते हैं कि मैं अर्थ को रोटेट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ जो सन के अराउंड रोटेशन है उसके अराउंड ही रोटेट कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पे साइड रियल टाइम के अंदर ही वेरिएंस आएगा, सोलर टाइम के अंदर वेरिएंस नहीं आएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं सोलर का जो टाइम है वो 0 का 0 ही है। ओके, नेक्स्ट है ग्रेविटी इन ऑर्बिट का जो है वो सिमुलेटर है, तो इसके अंदर आप ग्रेविटी के साथ थोड़ा सा प्ले कर सकते हैं अगर आप चाहे तो। जो फॉर एग्जांपल यहाँ पे सन दिया गया है और यहाँ पे अर्थ है, तो आप इस दोनों का यूज़ करके इसके जो सिमुलेशन है उसका यूज़ करके ग्रेविटी के साथ प्ले कर सकते हैं, अगर ग्रेविटी के अंदर कोई वेरियंस हो तो अर्थ का रोटेशन कैसे चेंज होता है, अगर इस दोनों को पास में लिया जाए तो ब्लास्ट हो जाएगा। खैर, तीनों का भी हम देखते हैं।
ओके, तो जो हमारा थर्ड है वो बोनिक बेस है, यानी कि ओपन इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नेटवर्क कंप्यूटिंग होता है। तो उसकी मदद से एक प्रोजेक्ट अभी चल रहा है, सेटी एट होम, यानी कि सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस। ओके, तो इसके अंदर सेटी एट होम के अंदर क्या होता है कि अलग अलग जो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन के ऊपर जो कंप्यूटर है जो इस प्रोजेक्ट की एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, तो उस कंप्यूटर का जो कंप्यूटिंग पावर है उसका यूज़ करके जो डेटा रिसीव होते हैं स्पेस से उसको एनालिसिस करने के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि इतना बड़ा कंप्यूटर वर्ल्ड के अंदर अवेलेबल नहीं है। तो अलग अलग कंप्यूटर का जो कंप्यूटिंग पावर है उसको टुकड़ों टुकड़ों में यूज़ करते हैं। तो सेटी एट होम जो प्रोजेक्ट है वो किसके बेच है, यानी कि जो बोनिक सॉफ्टवेयर है उसके अंदर चलता है। तो ये जो है वो बोनिक सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नेटवर्क कंप्यूटिंग, यानी कि नेटवर्क के यूज़ करके हमें जो है वो कंप्यूटिंग करना है। तो बोनिक बेस जो है वो सेटी एट होम है। तो इसके अंदर आप यहाँ पे ज्वाइन एट सेटी होम करेंगे तो उसके ऊपर से आप क्लिक करके ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। और सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के बाद अगर आप प्रोजेक्ट ऐड करते हैं बोनिक के अंदर जाके, तो इसके अंदर जो भी सैटेलाइट से या फिर रिसीवर से जो रेडियो रिसीवर से डेटा रिसीव हो रहा है वो, तो वो आपको दिखाएगा। तो उसका एनालिसिस आप घर बैठे भी कर सकते हैं। ये जो सेटी एट होम मेनली जो प्रोजेक्ट है वो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बॉडी को डिटेक्ट करने के लिए है। फिर और भी कई सारे प्रोजेक्ट है वो हम वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहले आपको बोनिक का जो सॉफ्टवेयर है वो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। जब आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर देंगे तो आपको कुछ ऐसा इस टाइप का दिखाई देगा। अगर आप ऐड प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, अभी मैंने सेटी एट होम प्रोजेक्ट ऐड किया है। इस तरह के कई सारे अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल आइंस्टाइन एट होम है, एनिग्मा एट होम है, फाइंड एट होम है। तो डिफरेंट डिफरेंट कई सारे जो नेटवर्क कंप्यूटिंग यूज़ करके जो प्रोजेक्ट है ओपन सोर्स प्रोजेक्ट, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अभी मैंने ऑलरेडी एक ऐड किया ही है, सेटी एट होम, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो ये जो है अभी एनालिसिस पावर मेरा कंप्यूटर का जो है वो यूज़ कर रहा है। तो इसको आप जो है वो वन बाय वन देख सकते हैं।